अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। आपकी आमद का शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ रखें। खुशी है प्रोफेसर साहब, आपने एक अच्छा फैसला किया है। शरीयत का तकाजा भी यही है कि आप इस बच्ची के साथ शादी कर लें। मौलवी साहब, दरअसल मैंने आपकी बात मानकर ये कदम उठाया। अगर उस दिन आप मुझे नहीं समझाते तो मैं कश्माला की ठीक से हिफाजत नहीं कर पाता। क्या आपने हकमार तय कर लिया है? क्या उनकी इजाजत शामिल है? क्या वो इस रिश्ते से राजी हैं? नहीं, मैं राजी नहीं हूं। मौलवी साहब, मेरी एक शर्त है। अगर वो बड़े साहब मान लेते हैं तो मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारी शराय सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करनी मैंने। हमें इस बच्ची की बात सुननी चाहिए। बोलो बेटी। पहली बात ये कि मुझे हक महर की मद में सिर्फ इज्जत और एहतराम चाहिए। और दूसरी बात ये कि जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। जो विल बड़े साहब ने बना रखी है उस पर बिल्कुल वैसे ही अमल होगा जैसा वो चाहते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इनसे। कश्माला, जब हमारी शादी हो जाए तो मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। नहीं चाहिए, कहा ना। लेकिन कश्माला, कह दिया ना नहीं चाहिए। बहस क्यों करते हैं आप मुझसे? और वैसे भी मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हर बात मानूं और उस पर अमल भी करूं। मेरा ख्याल है प्रोफेसर साहब, आप बच्चे की बात मान लें और निकाह की रस्म अदा करनी चाहिए।